सो गाइस पन्ना मैंने इधर का जो भी मेरा घर का गार्डन का ये जो था बहुत था इधर में गाइस ना बड़ा बड़ा लंबा लंबा हो गया था। सो गाइस आप वीडियो में देख सकते हो। तो मैंने इधर का था सभी मैंने कल साफ कर दिया है। और गाइस ये मेरा घर का ये कोरिएंडर का पौधा आप लोग देख सकते हो, धनिया का पौधा, और हम इसको सिलेंडर भी बोल सकते हैं। वही मेरा घर का साथ, और गाइस ये मेरा हाइब्रिड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं चंगे। तो गाइस आप लोग ओवरऑल मैंने इसका इतना अच्छा से इसका मैंने कभी कितना अच्छा दिखाई आप लोग देख सकते हो। तो साइड मेरा घर का पौधा अच्छा से लगा हुआ है। तो मैं चैनल तो आप लोग स्वागत है गाइस। आज भी हमारा काफी दिनों के बाद अच्छा से हमें आज धूप देखने के लिए मिला है। तो काफी दिनों से हमारा इधर गैंगटॉक में ना गाइस बारिश हो रहा था, तो बारिश की वजह से ना गाइस मैं आप लोगों को मेरा प्लांट का वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो फाइनली आज अच्छा से धूप हमें देखने के लिए मिला है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। मैं ना आप लोगों को काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए मेरा घर का जेरेनियम का अभी फ्लावरिंग हो रखा है। आप लोग देख सकते हो अभी अच्छा से नहीं हो रखा है, लेकिन इसका होने वाला है गाइस, देख सकते हो आप लोग भी। तो गाइस अगर जेरेनियम ना अगर आप लोगों का फ्लावरिंग होता है फिर उसके बाद सूख जाता है, ऐसे करके आप लोगों को नीचे से निकाल देना है। और गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा जेरेनियम अभी कितना, इसका जो भी पौधा कितना छोटा छोटा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस ये वाला जेरेनियम का पौधा क्यों छोटा है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। मैंने ना इस जेरेनियम को ना गाइस मैंने तभी को ना इसको नीचे से मैंने इसका ये नीचे से प्रूनिंग कर दिया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में भी, तो अभी इसका फ्लावरिंग हो रखा है गाइस और होने वाला है। तो मेरे पास काफी अच्छा अच्छा वैरायटी का जेरेनियम है, आप लोग देख सकते हो। और ये वाला भी कितना सुंदर है गाइस, कितना खूबसूरत है गाइस। गाइस आप लोग भी जेरेनियम को ना घर में लगा सकते हो, ये आपको ना कभी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको लगभग साल भर फ्लावरिंग देती रहेगा गाइस। बहुत अच्छा दिखता है इसका फ्लावरिंग गाइस। लेकिन जेरेनियम का ना आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जेरेनियम बहुत सेंसिटिव होता है। और आप लोगों को ना इस जेरेनियम को ना ज्यादा धूप वाली जगह में भी नहीं रखना है गाइस। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो मेरा नीचे भी फ्लावरिंग होने हो रखा है गाइस, होने वाला है। तो आप लोग ना जेरेनियम को ज्यादा पानी भी नहीं डालना है, और डायरेक्ट वाटरिंग जो ऊपर से जो बारिश होता है उधर भी नहीं रखना है गाइस। और गाइस मेन इम्पोर्टेंट चीज, जेरेनियम में ना इंसेक्ट यानी कि कीड़ा बहुत लग जाते हैं गाइस, आप लोगों को वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देख सकते हो कितना अच्छा सा फ्लावरिंग होने वाला है गाइस। अगर इसका ना गाइस सभी का जो भी जब फ्लावरिंग अच्छा से होगा ना गाइस, उस टाइम पे ना मैं आप लोगों के साथ मेरा इसका फुल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ गाइस। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मेरा घर का अच्छा अच्छा प्लांट्स का कलेक्शन और वैरायटी आप लोग ना एंजॉय कीजिए गाइस, यहाँ पर भी देख सकते हो। सो गाइस आप लोग यहाँ पर ये प्लांट्स देखना, ये प्लांट्स ना गाइस कभी भी बड़ा नहीं होता है। पता नहीं इसके साथ मैंने क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो फुल देख रहे हो तो मुझे बताना गाइस, इसका ग्रोथ ही नहीं होता है। देख सकते आप लोग अच्छे से ग्रोथ ही नहीं होता है, जब इसका अच्छे से ग्रोथ हो रहा होता है गाइस, देख सकते हैं पता सूख जाता है गाइस। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आप लोग मुझे कमेंट पे बता सकते हो। और गाइस ये वाला देखना है आप लोग भी, ये वाला है मेरा घर का, इसको हम लोग बेगुनिया ये इधर का लोकल बेगुनिया का वैरायटी में आता है गाइस, देख सकते हो। और इसका लीफ्स जो है कितना खूबसूरत है। और गाइस ये वाला देख सकते हैं आप लोग भी गाइस, ये वाला ना आप लोगों का नेम है ग्लैक्सोनिया। और गाइस ये ग्लैक्सोनिया ना आप लोग लीफ से भी आप लोग इसका प्रोपोगेट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको लीफ से उगाया है। आप लोग ग्लैक्सोनिया का ना गाइस
बहुत वैरायटी मिलेगा, आप लोग लीव से उगा सकते हो, ये जरूर जरूर ध्यान रखना गाइस। और इसका ना गाइस तरुल होता है, नीचे में रूट बड़ा रूट होता है, उससे भी उग जाता है गाइस, सेम डालिया के जैसे है। लेकिन अभी ये मेरे पास सिंगल है और ये वाला मेरा पिंक कलर का है। लेकिन ना गाइस सिंगल वाला भी पूरा फ्लावरिंग देता है ना, इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर दिखता है ना, आप लोग भी लगाना। और ये है गाइस मेरा कैलेलियस का पौधा, आप लोग देख सकते हो ये डिफरेंट वैरायटी का है, ये वाला भी कितना खूबसूरत दिखता है गाइस। प्लांट्स तो गाइस तभी मुझे खूबसूरत ही लगता है, ये वाला भी आप लोग देखना, ये वाला भी बहुत सुंदर है गाइस। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग ना अपने घर में ना कभी आप लोगों का चाय का मग होता है ना, वो कभी आप लोग पैके मत ऐसे करके गमले के लिए यूज कर सकती हो, तो अच्छा लगता है गाइस मुझे गार्डनिंग। आप लोग भी बताना आप लोगों को गार्डनिंग कितना पसंद है। तो गाइस देख सकते हो अभी इसका भी अच्छा से हो रखा है। तो आप लोग ना ऐसे करके छोटा 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 बोनसाई बना कर ना इसे कप में लगा सकते हो और घर में भी अच्छा दिखता है गाइस। गाइस यहाँ पर भी देखना आप लोग की ही मेरा क्रिसमस कैक्टस दूसरा वैरायटी का है, ये भी खूबसूरत है गाइस। और गाइस मैं इधर भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो गाइस आप मुझे बताना अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपने प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हो, कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा होता है जो ऑर्गेनिक बेस्ड होता है जिसमें आप लोग केमिकल यूज नहीं हुआ होता है, तो वाला फर्टिलाइजर मुझे आपको सजेस्ट करना प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं है तो प्लांट देखने में भी अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो गाइस आज काफ़ी दिन के बाद बहुत अच्छे से खिला है, तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा है हमारे इधर में भी गैंगटॉक में भी, क्योंकि हमको तो इधर में गैंगटॉक में इतना गर्मी लग रही है, तो जो लोग ग्रीन टेंट में रहते हैं उन लोगों को कितना गर्मी होता होगा ना गाइस, हम सोच भी ले सकते हैं गाइस। तो गाइस आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखना, मैं आप लोगों के लिए मजेदार अच्छा अच्छा वाला वीडियो लेके आते रहूंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। तो गाइस मैं आप लोगों को ये वाला मेरा प्लांट दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हो कितना सुंदर इसका अभी लुक्स आया है ना गाइस, ये भी आप लोग घर में लगाना, इतना आप लोग घर में अच्छा लुक देते है गाइस। तो मैंने ना गाइस इसको ना थोड़ा दूर जाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैंने इसको ऐसे करके लगाया है। और गाइस जो भी आप लोग ऊपर का टॉप में मेरा प्लांट दिख रहे हो, ये वाला प्लांट ना गाइस ऑर्किड का वैरायटी में आता है, मनमोहक होता है ना, वाओ 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 होता है गाइस, आप लोग भी लगाना है ये वाला बहुत सुंदर, इसको पानी भी कम चाहिए और धूप अच्छा से देना है, और इसका ना फ्लावर इतना अच्छा से खिल के आएगा ना, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। और गाइस ये वाला ना जब आप लोग घर में लगाओगे तो आप लोगों के घर में ना हर साल फूल देते रहेंगे, हर साल 24 नहीं 12 मंथ ही देते रहेंगे, आप लोग इसको अच्छे से लगा सकते हैं गाइस। नेम इसका नाम क्या है आप लोग गूगल कर लेना, मुझे तो मालूम नहीं है। ये वाला देखना आप लोग मेरा मनी प्लांट, ये वाला मेरा मनी प्लांट दूसरा वैरायटी का है, लेकिन अभी इसका ग्रोथ अच्छा से हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। और मैं आप लोगों को एक चीज भी दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये वाला आप लोग देखना, ये वाला भी तो ये वाला हम लोग मैंने नाम भूल गया गाइस, मुझे पता था लेकिन मैंने इसका नाम भूल गया, इसका फ्लावरिंग भी होता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग इसका फ्लावरिंग भी होता है कितना खूबसूरत दिखता है गाइस। और गाइस इसको ना मैंने इस जो गाड़ी का वो स्टेज होता है ना इसमें लगाया है, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला हैंगिंग वाला है, लेकिन इसका जो भी लीव्स होता है इतना खूबसूरत इतना अच्छा डिजाइन का होता है, आप लोग मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छा इसको देखना कितना खूबसूरत दिख रहा है ना गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैंने पहले जब उधर में मैं स्कूल में गया था, उधर के स्कूल में
ये फ्लावर था तो मैंने चोर के लेकर आया हूँ, देख सकते हो। तो इसका जब फ्लावरिंग होगा गाइस मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर मेरे चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग कुछ टाइम पे देख लेना कौन कौन सा मैंने कलर और कौन कौन सा इसका वैरायटी है, उस टाइम पे मुझे पता चलेगा। और गाइस ये वाला ना मेरे घर में बहुत अच्छा से नहीं होता है, यहाँ पर देखना आप लोग। और ये है गाइस चीजें चांगे जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर इसका फ्लावरिंग होने वाला है गाइस। ये वाला हाइब्रिड वैरायटी का है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरा इस वीडियो को अच्छा से लाइक करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो पे, मजेदार और अच्छा वाला लंच का वीडियो मैं आप लोगों का शेयर करते रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहना। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच और बाय बाय, सभी से मैं विदा लेता हूँ गाइस।